हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया टेस्टी स्नैक, जिसे आप सभी बहुत ही पसंद करते हैं, लेकर आई हूँ। वो है पापड़ी चाट। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, ये 100 ग्राम मैंने व्हीट फ्लोर लिया है, 100 ग्राम ही सूजी ली है, 3 से 4 टीस्पून हमने ऑयल लिया है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए थे उनको मिक्स कर लेते हैं। व्हीट फ्लोर को, सूजी को, अजवाइन डाल लेते हैं, सॉल्ट, और हम मोइन के लिए जो हमने ऑयल लिया था 4 टीस्पून वो डाल लेते हैं। डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। देखो कितना बढ़िया जो है, इस तरह होना चाहिए। इतना ऑयल डालना है हमने कि ऐसी मुट्ठी बन जाए। इस मिक्सचर के ऐसे करके, इसका मतलब ये है कि हमारा जो है मोइन बहुत ही सही डला है। कदो बना लेते हैं, ज़्यादा हार्ड डो भी नहीं चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं चाहिए। बस जितना हम रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड चाहिए। पानी थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि हमारा डो ज़्यादा पतला ना हो जाए। देखिए हमारा डो रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है, ना ही ज़्यादा हार्ड है। देखो इस तरह का होना चाहिए। इसको हम गीले कपड़े से कवर करके आधे घंटे के लिए रख देते हैं। थोड़े से भीगे कपड़े से हमने इसको ढक दिया है डो को। अब आधे घंटे के बाद हम इसकी पापड़ी बनाएंगे। देखिए हमारा डो अब आधा घंटे से ऊपर हो गया है, ऐसा बन गया है ऐसे। अब इसको हम बेलेंगे और बेल के इसकी पापड़ी बनाएंगे। नीचे अप्लाई कर लेते हैं सरफेस पे और इसको थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे, क्योंकि पापड़ियाँ जो होती हैं वो पतली होती है। के अंदर छेद कर देंगे ताकि पापड़ियाँ फूले ना, ऐसे करके। अब मैंने एक छोटा सा गिलास ले लिया है, आप चाहे तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं। हम इसकी हेल्प से पापड़ी को कट कर लेंगे। देखिए हमारी ऐसी पापड़ियाँ हो गई हैं रेडी, इनको हम फ्राई करेंगे। अब इनके अंदर ऑयल खूब गर्म हो चुका है, काफ़ी गर्म ऑयल में ही हमने पापड़ियाँ डालनी है। इनको हम डाल के रेडी करते हैं। देखिए हमारी पापड़ी रेडी हो गई है, बहुत ही बढ़िया पापड़ी बनी है। बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, जैसे मार्केट से हम लाके खाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी पापड़ियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसकी प्लेट लगाना शुरू करते हैं। ये प्लेट ले लेते हैं, इसके ऊपर एक एक पापड़ी करके सजाते जाएंगे। उबला हुआ आलू डाल लिए मैं,
और थोड़ा सा अनियन डालेंगे, कटा हुआ अनियन लिया मैंने, ये कर्ड डाल देंगे। भुना हुआ जीरा डाल देंगे, ये मैंने जो आपको चटनी बनाने की रेसिपी बताई थी उसी तरीके से मैंने चटनी बनाई है, ये डाल देते हैं। इसकी रेसिपी का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज़ उसे देख लीजिए। हमारी ये चाट पापड़ी की रेसिपी बनके रेडी हो चुकी है। तो कहिए फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी चाट पापड़ी की रेसिपी आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे आप मैक्सिमम शेयर और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं लिख के मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।